नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें हम आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। नवंबर में महंगाई दर बढ़कर 1.55% हुई, अक्टूबर में 1.48% पर थी महंगाई दर। भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पछाड़ने का लक्ष्य तय किया, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया दावा, पीएलआई स्कीम का मिलेगा फायदा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ईसीएलजीएस के तहत अब तक 2 लाख करोड़ के लोन मंजूर, 40 लाख एमएसएमई खातों में पहुंचे हैं 1.58 लाख करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए सोलर मॉड्यूल के आयात पर लगेगी 40% कस्टम ड्यूटी, सोलर सेल पर भी बढ़ेगी ड्यूटी की दर। भारत का अप्रैल बाजार 2024-25 तक 185 अरब डॉलर तक अनुमान लगाया गया है, दिग्गज ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। शेयर बाजार में बर्गर किंग का शेयर 92% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट, निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा। कोविड-19 में स्मार्टफोन पर 25% ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं लोग, वीवो सीएमआर स्टडी में किया गया है दावा। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप लगाएगा बोली, 1932 में टाटा एयरलाइंस के 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू हुई थी कंपनी। दोबारा शुरू हुई कमर्शियल माइनिंग, ओडिशा के 3 और झारखंड के 1 कोयला ब्लॉक के लिए सरकार ने मंगाई बिड। और अगली 3 तिमाहियों में खुलेंगे 16 नए बिग बाजार स्टोर, टीयर 2 शहरों पर फोकस करेगी कंपनी। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने में अभी कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा, लेकिन इसे लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन का यह कार्यक्रम चुनाव की शैली पर होगा। पहले फेज में जिन 30 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगेगी, उनमें से ज्यादातर का वोटर आईडी दिखाने के बाद ही टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वायरस का कहर झेल रही दुनिया को अब वैक्सीन का ही आसरा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कई टीके बनाने पर काम जोरों पर है। इस काम में कुछ फार्मा कंपनियों को सफलता भी मिली है। भारत में भी 3-4 कोविड टीके तैयार करने की कोशिश जारी है। इन संस्थानों की वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी अप्रूव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वैसे देश में 9 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, इनमें से 3 प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 6 अंडर क्लिनिकल ट्रायल में है। India's world-class research institutes have spearheaded the campaign against COVID-19 and are currently working towards facilitating capacity building for producing, distributing and administering the vaccine. As I speak here, 260 vaccine candidates are in different stages of development globally. Out of these, 8 are scheduled to be manufactured in India, including 3 indigenous ones. We have enthusiastically leveraged the support of international partners like Oxford University, United Kingdom and the Thomas Jefferson University, USA. वैक्सीन की इमरजेंसी मंजूरी को लेकर आए आवेदनों की बीते हफ्ते एक्सपर्ट पैनल ने समीक्षा की। इसमें इन्हें मंजूरी देने से पहले कंपनियों से और डेटा की मांग की गई है। इस बीच सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। गाइडलाइंस में बताया गया है कि भारत में किसको और कैसे वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 50 साल से ऊपर के 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 साल से कम उम्र के करीब 1 करोड़ लोगों का पहले टीकाकरण होगा, जो कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने पहले फेज में अगले साल जुलाई तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने की उम्मीद जताई है। It is expected that the vaccine will be available in the coming few weeks and the vaccination process will kick start in India as soon as it is approved by the concerned regulatory agency. With stringent oversight, we are ensuring that there is no compromise on scientific and regulatory norms stretching from safety of the trials to efficacy of the vaccines. While we are focused on developing a vaccine, we are simultaneously working towards leveraging our efficient and vast vaccine distribution network. We have analyzed our present requirement and are working towards augmenting our capacities, healthcare infrastructure and workforce.
इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाना भी आसान नहीं है। इसके लिए सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन देने की प्रक्रिया को चुनाव की तरह तैयार किया है। हर वैक्सीन साइट पर 5 वैक्सीन ऑफिसर होंगे, जिनमें 1 सुरक्षाकर्मी, 1 अधिकारी वेटिंग, 1 वैक्सीनेशन और 1 निगरानी के लिए होगा। टीकाकरण की प्राथमिकता के आधार पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले चरण में टीके लगाए जाएंगे। 50 से 60 साल के उम्र के लोगों को एक ग्रुप और फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अलग ग्रुप में भी बांटा जा सकता है। ये फैसला वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए उम्र का फैसला लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई पिछली लिस्ट के जरिए किया जाएगा। इनमें जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी, उन्हें पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। हाई रिस्क वाले लोगों के लिए अलग से मोबाइल साइट और टीमें बनाई जाएंगी। टीकाकरण के हर सेशन में केवल 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। ये लोग पहले से ही रजिस्टर्ड होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से सबसे ज्यादा मदद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिली है। इसके प्रदर्शन में आए सुधार के बाद सरकार का भरोसा देश की जीडीपी और रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा ही बढ़ गया है। विकास दर बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों को भी हर तरह की मदद देने को सरकार तैयार है। अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने औद्योगिक उत्पादन की विकास दर यानी कि आईआईपी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी से इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद और पुख्ता हो गई है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में आईआईपी 3.6% बढ़ा है। पिछले साल अक्टूबर में इसमें 6.6% की गिरावट हुई थी। सितंबर में भी आईआईपी 0.2% बढ़ा था। इस बढ़ोतरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का खास रोल रहा है। इससे साफ संकेत मिला है कि सरकार का आत्मनिर्भर राहत पैकेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत सुधारने में कामयाब रहा है। अक्टूबर में बिजली सेक्टर में 11.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इस प्रदर्शन ने सरकार का भरोसा भी इस सेक्टर पर बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का फोकस जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी मौजूदा 24 से 26% से बढ़कर 30% करने का है। इसके अलावा सरकार का इरादा अगले 2 सालों में भारतीय रूरल इंडस्ट्री को 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए करने का है। प्रेजेंटली 30% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ इज फ्रॉम एमएसएमई, 48% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इज फ्रॉम एमएसएमई। And up till now, we have created 11 crore jobs and turnover of village industries 80,000 crore. So this is the time that we have to develop village industry, we have to develop ancillary industries for automobile. The automobile industry's turnover is 4,50,000 crore. I am also minister for that. The all brands are present in India and my dream is to make India as number one manufacturing hub, automobile hub in the world. Within 5 years, we are making electric cars, electric bikes, electric trucks. गडकरी ने कुछ ही रोज पहले कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दम पर 5 करोड़ रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। अब उन्होंने फिर दोहराया है कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। Today it is a time for the country, for the society, for all of us that how we can create employment potential. I know that. For employment potential, for creating employment potential, we need industry. And industry need good type of skilled workers. But 100% of our institutions' role is very important. In today's scenario in Indian economy, our 16% contribution from GDP contribution from agriculture and allied industry, 22 to 24% manufacturing sector, and 52 to 56% from the service sector. नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का फोकस रूरल इंडस्ट्री में रोजगार और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने पर है। इससे देश में गरीबी खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार की पहली प्राथमिकता गांव, गरीब, मजदूर और किसान है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।